आज की ये वीडियो किताबों के बारे में कि लेक्चरर एजुकेटर्स एंड मास्टर सब्जेक्ट्स पे मतलब जो तालीम से एजुकेशन से रिलेटेड जो जॉब्स हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए उसके लिए उसके टेस्ट के लिए तैयारी के लिए बेहतरीन किताबें कौन सी हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन सी किताब बेहतर है जो हमें पढ़नी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 किस्म की किताबें रैंक कर रहा हूँ, नंबर 1 से नंबर 5 तक, मतलब अच्छी बुक्स नंबर 1 पे और नंबर 5 तक, इस तरह जिसमें मुझे लगता है कुछ एरर्स हैं उनको मैं नंबर 5 पे रखूँगा। तो ये टॉप 5 बुक्स जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ लेक्चरर और एजुकेटर्स एंड मास्टर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन जॉब्स के लिए तैयारी के लिए। सबसे पहले इस चैनल को मेरे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सुर्ख रंग का एक बटन होगा इस वीडियो के नीचे, आप देखिए वीडियो के नीचे मतलब ये वीडियो जहाँ पे एंड हो रही है उसके नीचे, उसको नीचे कीजिए जरा कर्सर को, तो यहाँ पे नीचे बटन होगा सब्सक्राइब का सुर्ख कलर का वीडियो के नीचे, उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम आपको मेरी वीडियो ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि मैं आगे मज़ीद तैयारी करने के तरीके वो यहाँ पे आपको अगली वीडियोस में समझाऊंगा। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब देखते हैं नंबर 1 मैंने कौन सी किताब रखी है। सबसे पहले कारवान जो पब्लिशर्स हैं, कारवान बुक हाउस लाहौर, इनकी किताबें मैं पहले नंबर पर रखूँगा, क्योंकि इन किताबों की मेरे पास कभी किसी ने शिकायत नहीं की। जितने लोग भी मुझसे मशवरा लेते हैं तैयारी के लिए, तो कभी किसी ने कारवान में एरर्स के बारे में नहीं कहा, मतलब कहा भी है तो बहुत कम लोगों ने कहा है। तो स्टैटिस्टिक की या जिस भी सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की बुक्स कारवान वालों की हैं, हर सब्जेक्ट में लेक्चरर की, हेडमास्टर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो इम्तहानात होते हैं, जनरल नॉलेज की बुक्स, हर किस्म की बुक्स कारवान पब्लिशर ने छापी हुई है, और आपको अपने किसी भी सिटी में आसानी से ये बुक्स अवेलेबल हैं। तो कारवान वालों को इस बुक को मैं तैयारी के लिए पहले नंबर पर रखूँगा। उसके बाद नंबर 2 पे जो मैं जिसको रखूँगा वो है इल्मी किताब खाना, इनकी किताब को मैं दूसरे नंबर पर रखूँगा, क्योंकि ये अच्छी किताब बनाई हुई है लेक्चरशिप के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए, और ये तमाम सर्विस कमीशन जितनी है, PPSC, SPSC, BPSC, इन सब के लिए तमाम सब्जेक्ट की जो किताबें हैं वो इनके पास अवेलेबल हैं। हर सब्जेक्ट की किताबें आपको मिल सकती हैं इल्मी की, और हर शहर में ये अवेलेबल है आपको मुख्तलिफ जगह से, और आपको ऑनलाइन भी ये किताबें मिल जाएंगी आपको। तो इल्मी की किताबें मैं दूसरे नंबर पर रखूँगा इन सारी जॉब्स की तैयारी के लिए। नंबर 3 पे उसके बाद जो सबसे अहम जो आपने जिसका नाम सुना होगा, डोगर्स ब्रदर्स की बुक, इनको मैं तीसरे नंबर पर रखूँगा, क्योंकि इनके बारे में कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें एरर्स बहुत होती हैं, मतलब जो ऑप्शन इन्होंने चूज़ किया होता है वो ऑप्शन या जो आंसर होता है वो आंसर वो नहीं होता, मुख्तलिफ किताब मुख्तलिफ होता है, तो ये लोगों का कहना है। पर मैं इसको तीसरे नंबर पर रखूँगा, लेकिन ये अच्छी बुक्स हैं पढ़ने के लिए, डोगर्स की भी आपको लाजमी पढ़नी चाहिए अपने सब्जेक्ट की बुक, इनकी भी हर सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है लेक्चरर के लिए और तमाम एजुकेशन से रिलेटेड जॉब्स के लिए। तो ये इनकी बुक जो है डोगर्स की, ये तीसरे नंबर पर मेरी लिस्ट में है, और आपको चाहिए कि ये बुक्स भी आप लाजमी पढ़ें अगर आपने अच्छी तैयारी करनी है। तो नंबर 4 पे मैंने रखी है भट्टी सन्स पब्लिशर्स, इन्होंने हर सब्जेक्ट में अपनी बुक्स बनाई हुई हैं लेक्चर के लिए, और इनकी बुक भी अच्छी है, लेकिन मैं इसको अपनी लिस्ट में नंबर 4 पे रख रहा हूँ। लेकिन पढ़ने के लिए ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, आपको यहाँ से बहुत सा नॉलेज मिल जाएगा। भट्टी सन्स की ये जो बुक्स हैं सुहेल भट्टी साहब की लिखी हुई, इनकी ये भट्टी सन्स की बुक्स, ये आपको इन लेक्चर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या NTS, NAT या CSS, PCS मुख्तलिफ किस्म के, और सर्विस कमीशन सारी, फेडरल भी या पंजाब या सिंध जो भी है, उन सब के लिए भट्टी सन्स की बुक्स भी हर सब्जेक्ट पे आपको आसानी से मिल सकती हैं। जैसे कि ये भट्टी सन्स की बुक्स हैं लाइब्रेरी साइंस की और पॉलिटिकल साइंस की और इस्लामियात की, और इसमें मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चर और मुख्तलिफ जैसे ये न्यूट्रिशन ऑफिसर गाइड, हर टॉपिक पर आपको भट्टी सन्स की अवेलेबल हैं आपको किताबें। तो मैं भट्टी सन्स को अपनी लिस्ट में 4th नंबर पर रखूँगा। उसके बाद नंबर 5 पे जहांगीर पब्लिकेशंस,
जहांगीर पब्लिकेशंस की बुक्स हर सब्जेक्ट की अवेलेबल हैं, लेक्चरर के लिए भी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और हर किस्म के टेस्ट के लिए जहांगीर, मतलब जनरल नॉलेज पर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आपको जहांगीर की बुक्स आपको मिल जाएंगी। ये बुक्स अच्छी बुक्स हैं, ये भी आपको पढ़नी चाहिए, ये भी हर सब्जेक्ट पे आपको मिल जाएंगी। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, जो भी सब्जेक्ट है आपको आसानी से ये बुक्स मुख्तलिफ बुक डिपो से भी मिल जाएंगी आपको, और इसके अलावा ऑनलाइन भी ये बुक्स अवेलेबल है अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे ये जो जहांगीर पब्लिशर्स है ये नंबर 5 पे मैंने इसको रखा। उसके बाद मैंने खुद अपनी एक बुक बनाई क्योंकि इस बार PPSC ने जो टेस्ट हुआ था उसमें PPSC ने जनरल पोर्शन भी रख दिया था, तो मैंने जनरल पोर्शन जो है लेक्चरर की गाइड के अंदर, और वैसे एजुकेटर और बाकी सारी पोस्ट में तो होता ही है, तो मैंने लेक्चरर के लिए जो जनरल पोर्शन था उसके लिए गाइड बुक बनाई है, जो कि आप लोग adilabbas@live.com इस पर ईमेल करके ये बुक PDF में आप हासिल कर सकते हैं। तो ये 5 किस्म की बुक्स थी जिसमें नंबर 1 पे मैंने रखा है कारवान को, नंबर 2 पे इल्मी बुक्स को, नंबर 3 पे डोगर ब्रदर्स की बुक को, नंबर 4 पे भट्टी सन्स की बुक को, और नंबर 5 पे मैंने रखा है जहांगीर पब्लिकेशंस की बुक को। तो आपको ये सारी बुक, और आखिर में आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक ही बुक पढ़ने से कोई तैयारी पूरी होती है, आपको अगर आपके पास टाइम है, जैसे अभी आपके पास टाइम है, जॉब्स अभी नहीं अनाउंस हुई हैं, तो आपको चाहिए आप ये सारी एक एक बुक्स ले लें और इन सबको पढ़ लें। इन सबको पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सी बुक में एरर्स हैं और कौन सी बुक अच्छी है, और आपके पास नॉलेज जो है वो हर बुक में कुछ ना कुछ इजाफी नॉलेज ज़रूर है, सब में रिपीटेड एक जैसे क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आपको इजाफी नॉलेज भी मिल जाएगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आपको ये सारी बुक्स पढ़नी होगी, अगर आप एक ही बुक पढ़ के समझ रहे हैं कि आपको 3 मारेंगे तो वो इतना ईजी नहीं होगा, आपको ये सारी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और उससे पीछे आपका नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का। तो ये किताबों के बारे में कुछ मालूम थी, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे भी मेरी ये वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।